The worst experience of Jordan. हम यहाँ पे 2 घंटे से यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन अभी तक हमारी टर्न नहीं आई। जॉर्डन का वीजा एक्सटेंड करवाना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए ध्यान रहे कि आपके पास सारी चीजें। मेमोरी करना होगा हमें, फिर हम जाएंगे पाकिस्तान। इला रब्बना लमुन का लिमोन। पूजा, फिर काम दूजा, और पेट के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है अलबेक। जॉर्डन का सफर बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए सबसे पहले हमें चाहिए दूध, पानी और खाना, क्योंकि हमारी ब्रेक बाद में नहीं लगेगी, तो हम पहले ही सामान ले लेते हैं। यहाँ तक मेरी है। यम्मी है। एंजॉय कर रहे हो? मुझे नहीं लगता तक जॉर्डन जाने का फंड है। अब गाड़ी में अभी आई बैग खा के सोएंगे, सुबह उठूंगा और ना हम होटल में जाएंगे आई गेस इंशाल्लाह। ये बात बेबी मजे की मजा आ रहा है। वाओ करो वाओ मां मन मास ये पापड़ ये गए यहां पे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह Thank you.
हमें जल्दी से जल्दी सऊदी बॉर्डर पे जाना है, अगर देर होगी तो रश बढ़ जाएगा। हम अपनी गाड़ी में जॉर्डन और सऊदी का बॉर्डर नहीं क्रॉस कर सकते, उसके लिए हमें टैक्सी लेनी होती है जो कि हमें उसकी पेट्रोल पंप पे ही आसानी से मिल जाती है। ये है वो जगह जहाँ पे हमें अपनी गाड़ी छोड़ के टैक्सी में जाना होगा और यही टैक्सी ड्राइवर हमें सऊदी और जॉर्डन की एंट्री और एग्जिट करवाते हैं। वो करवा के फिर वो वापस हमें वहीं पे ले आते हैं। हम यहाँ पे 2 घंटे से यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन अभी तक हमारी टर्न नहीं आई। जॉर्डन का वीजा एक्सटेंड करवाना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए ध्यान रहे कि आपके पास हर चीज है। हम 2 से 3 दफा अपना वीजा रिन्यूअल करवाने आए थे, पर हमें इतना रश फेस नहीं करना पड़ा। हम सिर्फ 1 घंटे में ही सारा काम कर लेते थे, पर आज जब हम आए तो बहुत रश था, माह रमजान की वजह से या पता नहीं कैसे हुआ। भूख से बच्चे रो रहे थे, तो सऊदी बॉर्डर वालों ने सबको पानी और केक सप्लाई किया। हमें अंदाजा नहीं था कि इतनी ज्यादा देर हो जाएगी। वहाँ पे हम सिर्फ दूध और पानी ही लेके आए। छोटे छोटे बच्चे बहुत रो रहे थे क्योंकि जिनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो लोग अपने साथ कुछ नहीं लेके आए। बच्चे बहुत रो रहे थे, बहुत लेट हो गई थी क्योंकि यहाँ पे कोई ना बकाला है और ना ही कोई शॉप। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज अपने बच्चों के लिए दूध पानी खाने के लिए हर सामान लेके आए जरूरी। आपको अंदाजा नहीं आपको यहाँ पे कितनी देर लगेगी, तो आप अपने साथ हर चीज प्लीज लेके आए, नहीं तो आपको बहुत देर लगेगी बहुत। और अपना फोन भी फुल चार्ज करके आए क्योंकि हमारा फोन बंद हो गया तो और हम अपनी फैमिली से रابطہ नहीं कर पा रहे थे। हम सुबह 8 बजे सऊदी बॉर्डर पर पहुंचे थे और अभी शाम के 7 बजने हैं और अब जाके हमें जॉर्डन बॉर्डर में एंट्री मिली है। सारा काम हो गया, अब हमें सिर्फ सऊदी में एंट्री लेनी है, लेकिन आगे तो बहुत बड़ी लाइन है। अब पता नहीं फिर हमें कितनी देर इंतजार करना होगा। फाइनली हमें हमारे पासपोर्ट मिल गया और हमने पूरे 12 आवर्स में मिला है, हमें पूरे 12 आवर हमने सरवाइव की हैं 12 आवर। इसलिए आप लोगों को भी केयरफुल रहना होगा। आई होप आपको मेरी वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी और अगर आप हमारी ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को थम्स अप करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और सबसे जरूरी आपको अगर हमारी और अगर आपको अपना वीजा रिन्यूअल करवाना है तो मेक श्योर के आप रात को करें क्योंकि सुबह को आप बहुत खुआर हो जाएंगे।